गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम यूज करेंगे ए एन का। क्या यूज करेंगे? ए एन का। तो देखिए, जो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं, वो हमारे वोवल्स में यूज होते हैं। किस में होते हैं? वोवल्स। ये हमारे वोवल्स होते हैं और इनमें ए एन का यूज होता है। और जो हमारे बाकी होते हैं, जैसे सी ए और एच ए और जी ए, ये हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट में ये कॉन्सोनेंट होते हैं। और ए ई आई ओ यू ये वोवल्स होते हैं। और सी जी एच और ये जो ये 21 होते हैं, ये हमारे कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो देखिए, जो ए है, ए के लिए यूज़ होगा हमारा ए एन। क्या यूज होगा? ए एन। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा सी है, फर्स्ट लेटर कौन सा है? सी। तो सी हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, तो सी के लिए यूज होगा ए। फर्स्ट लेटर हमारा ए है, तो ये वोवल्स में आएगा, तो इसके लिए यूज होगा ए एन। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट लेटर है जी, तो जी के लिए यूज क्या करेंगे हम? क्या यूज करेंगे? ए, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट में आता है। ई, ई हमारा वोवल्स में आता है। किस में आता है? वोवल्स में। तो ये ई के लिए यूज होगा ए एन। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा एच, फर्स्ट लेटर कौन सा है? एच। तो फर्स्ट लेटर एच हुआ, तो एच कौन से में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसके लिए हम ए यूज करेंगे। जो हमारे वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, जैसे कि जी है, एच है, सी है, बी है, ये बहुत बहुत सारे वर्ड होते हैं, 21 होते हैं ये, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट में आते हैं और इनके लिए ए यूज़ करते हैं। और ई जो ये 5 होते हैं, वोवल्स होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, उनके लिए ए एन यूज़ होता है। ऐसे ही आपको यूज़ करना है।